एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है। हाँ, वेरी गुड, तालियां हो जाए लड़के के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। लो भाई, एक डब्बा और आ गया। समसारे नु ठान लो नु दुकान खोल सका मैं मिठाइयां की, एक तो नहीं मेरा साइड में सेल्स गए क्यों भाई? बहुत बढ़िया, वाह वे लड़के, शाबाश। अभी भी कुछ नहीं, टारगेट में बने रहना है। हाँ, कहीं यहाँ अटक जाए वो बतेरा हो गया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। आज इनसे बात करवाएंगे कि ये पढ़ते कैसे थे, किस तरह से क्या चलता है, ठीक है? क्वेश्चन कुछ हो जाए ना, जो फटाफट बोल रहा है चीजों को। आज आंसर दूसरा माइक, ये दूसरा माइक निकालिए उसमें थे। और यही कमाई है, नौ से बेरा के अंदर लाग रहे, तारा खातर कौन लाग रहे? ये डब्बे लेने हैं, डब्बे लेने भाई। या कोई भाई, हेलो, चलो। मनजीत कुमार है भाई सुरबरा से, ठीक है? जो लगातार रिजल्ट देते रहे आ रहे हैं, आगे भी मैंने बता दिया इनके बारे में, सारे रिजल्ट होने ही होने इनके। इनकी कॉपी उठा के देख लो, इनके नोट्स उठा के देख लो, ए टू जेड चीजें ऐसी जची हुई हैं। क्लास अच्छे बताओ भाई, जब आपका वो चल रहा था, बैच चल रहा था, कितनी छुट्टी लगी थी टोटल? मान ली 5 महीने, 6 महीने चला। हेलो हेलो हेलो, हेलो हाँ हाँ बेटा, मैं मनजीत सिंह, गांव सुरपुरा। साथियों, मैं हरियाणा पुलिस के बैच से पहले सबकी क्लास एक बैच ही मैंने लिया, एक बैच। और मान सर जी के कभी एक ही बेंच लिया मैंने, और कोई दोबारा तैयारी नहीं की है। देखिए, जो नोट्स हम बनाते हैं, जो भी नोट्स है उनको एक बार यहाँ रिपीट कीजिए और एक बार घर पर जाकर रिपीट कीजिए। और मैं मेरी ओर से बताता हूँ कि मैंने यहाँ जो हरियाणा पुलिस के बस से जो बस चला हुआ था, उसमें सर ने 5 बजे तक यहाँ पढ़ाया है, और उसमें भी हरियाणा पुलिस में मैं रह गया था कुछ नंबरों से, लेकिन जब भी मैंने हार नहीं मानी। और हमने सर ने सुनील सर ने बताया कि आप एसएससी की तरफ रुख कीजिए, तो मैंने वहां सर के सीएचएसएल का जो पेपर था, डिटो प्रश्न 4 आते ही सुनील सर याद आ गए थे। डिटो प्रश्न कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी जमा डिटो प्रश्न आए हुए थे सेम जमानों। और मैं मेरी तरफ से कहता हूँ, मैथ में मैं बिल्कुल 0 था। मैं भी 0 था। थैंक यू भाई, थैंक यू साथियों। और एस एमटीएस में तो काफी मैं पढ़ा भी हूँ, और एक दोस्त है राजेश कुमार, उसका बहुत अहम भूमिका रही मेरी ओर से, क्योंकि वो नेट की तैयारी अभी भी जारी है। वो बार बार कभी 2 नंबर से कभी 4 नंबर से रह जाता है, और उसकी तरफ वो पढ़ता है तो ये नहीं देखता कि ये कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे उठना है। उसकी भी अहम भूमिका रही है, क्योंकि मैं पिछले हरियाणा पुलिस के बैच से पहले, मैं अगर जब बैच लिया था तो मैं यहाँ था, तो उसके बाद मैं क्लास भी नहीं लगाई सर की, और जो प्रश्न है उन्हीं को रिपीट बार बार करता हूँ। और साथियों, कम से कम 5 से 6 घंटे हर रोज पढ़ता हूँ मैं सर, मुझे काम हो या ना हो,
रात को 10 बजे तक, 10 या 10:30 करता हूँ मैसेज, उसके बाद तो मुझे नहीं नींद आने लगती है। जरूरी है ऑफिस होना ही जरूरी भाई, है ना। और हर रोज चाहे मैं 10 बजे से उनसे, 9 बजे से उनसे, 11 बजे, लेकिन 4 बजे जरूर रात जरूर भूलती है। तो प्यार वाली मेहनत है वो सबसे बेस्ट है, बिल्कुल शांत माहौल होता है, और जो 1 या 1.5 घंटा होता है वो आपके पूरे दिन के लिए बराबर होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, वेलकम। क्या बात, इनकी आपको तो 5:30 तक चलती, इनकी 8 से लेकर 5 बजे तक क्लास होती थी, क्योंकि टाइम कम मिला था, जैसे कि आपको टाइम कम है ना वैसे ही। तो इनका भी 1.5 महीना शुरुआत में मिला था, हरियाणा पुलिस का पेपर एकदम से अनाउंसमेंट हो गई थी लॉकडाउन के कारण, तो इनकी 8 से लेकर 5 बजे तक लगातार क्लास होती थी, और 8 से लेकर 5 बजे तक ये रहता था क्लास में। कम ही बच्चे रह पाते थे, ज्यादा नहीं, मैं कह रहा कि मान लीजिए 100 बच्चे मॉर्निंग में 100% है तो 20% बचते थे, लेकिन उन 20% के रिजल्ट लगे हुए हैं, और वो बीच में भागते थे साथियों, एक भी फोटो नहीं है उनका, एक भी नहीं है, क्योंकि जिसका सिलेबस ही कवर नहीं है वो क्या करेगा, सिलेबस ही कवर नहीं है वो क्या करेगा, मानते नहीं मानते बात को, 100 क्वेश्चन आने उनमें तो 50 क्वेश्चन का सिलेबस पड़ा है, लिस्ट 75 रुपए कैसे लग जाएगी उसकी, नहीं लग सकती। तो सिलेबस कवर किया, और इनकी मेहनत है, हमारा कुछ नहीं, पढ़ाना है, मेन बात है कि किसने तो ध्यान से लिखा, किसने ध्यान से जाकर घर पढ़ा, और किसने अपनी अपने दिमाग को बचा के रखा उन चीजों को तैयार करने के लिए। तो हमारा तो 5-7% ही रोल मान के चलो, 90% से ज्यादा रोल आपका ही होता है ना, पढ़ाते तो हम सबको ही हैं, क्या सब लग जाते हैं, नहीं लगते हैं ना। तो जिसने खुद मेहनत की, तो ये हमारा नहीं भाई, आपकी ही मेहनत है सारी की सारी, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा क्या, ठीक है, इनके ही। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है, टारगेट बड़ा रखना है, सारी की सारी चीजें, अभी रुकना नहीं। हाँ भाई, एक चीज मैं कहना चाहूंगा भाई, जब मंजीत और इसका एक दोस्त था, वो कौन था, वो राजेश, राजेश, मंजीत और राजेश जब कोचिंग के लिए डेमो लगाने के लिए आए थे, हाँ सर विक्रम था, विक्रम डेमो लगाने के लिए आए, डेमो लगाई, डेमो लगाने के बाद ये इनको अच्छा लगा, बोला सर सबसे बढ़िया चीज बताऊंगा जो उनकी जो सबसे इंस्पिरेशन वाली चीज है। मैंने पूछा कि डेमो कैसी लगी, बोला जी डेमो बहुत बढ़िया लगी। तो फिर ये कई दिन आए नहीं, उसके बाद भाई कॉलिंग करते हैं, भाई आपने डेमो कैसी लगी, क्यों नहीं आए, टीचर अच्छे थे, क्या कुछ लगा। इन्होंने कहा कि सर एक बार पीसा का जुगाड़ हो जाए, अरेंजमेंट हो जाए, फिर आओगे। मतलब वहां से उठ के और लगातार एसएससी के 2 पेपर, एक CHSL और एक MTS क्वालिफाई करना, पैसे की व्यवस्था करना खुद, और फिर अपने दम पे सारी चीजें करना, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे भाई। इसे एक चीज सीखने को मिला है, अगर अपने पास संसाधनों की कमी है और अपने पास जज्बा है तो संसाधन जुटाने में समय नहीं लगता। तो आप किसी बैकग्राउंड से आते हो, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, तो आप मंजीत से एक लेसन ले सकते हैं कि अगर आप में दम है और आप में धैर्य है तो इन चीजों को बदलते वक्त बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धन्यवाद, वेरी गुड, शाबाश। तो सही है भाई, सीखिए और देखिए आपके बीच में से निकलते हैं ना आराम से, आप भी सब भी करोगे, सारे फोड़ डालोगे, चिंता मत करो, नहीं फोड़ोगे तो इतने सुनाएंगे फिर फोड़ डालोगे, सह क्लास ही छोड़ दोगे, एक ही काम होगा और क्या होगा, है ना। कड़वी बातें आती रहेंगी क्योंकि वो जरूरी है, और काम करते ही रहेंगे, और कड़वी सुनने ना मिले क्वेश्चन फटाफट निकालने हैं, क्लास सारे लगाने हैं, मिठाई बटेगी उसमें क्या है, क्लियर ना भाई, जुड़े रहना टारगेट से, मैन बात है टारगेट से जुड़े रहने की। चलिए एक खत्म कर ले, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल को पढ़ेंगे बाकी, ठीक है, ओके।